नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन की बड़ी खबरों का बुलेटिन पंचनामा। पंचनामा में आगे हम आपको दिखाएंगे लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बीच कहां 2 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो पर हुआ हिंदुत्व का तड़का, पूरी खबर दिखाएंगे आपको। नीरव मोदी को भारत वापस लाने के मामले में एक नया अड़ंगा सामने आया है, पूरी खबर दिखाएंगे। यूपी लेकर चलेंगे जहां पर अपराध लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। रेप के बाद पीड़िता की कहां पर की गई हत्या, पूरी खबर दिखाएंगे। तो चलिए पंचनामा की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। और आज की बड़ी खबर है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की, जो एक कार्यकर्ता से पैर धुलवाकर बड़े विवाद में फंस गए हैं। ये वीडियो 16 सितंबर का है, जब झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कन्हभारा पुल के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेने गए थे। बीजेपी कार्यकर्ता पंकज साह ने निशिकांत दुबे के पैर न सिर्फ धोए बल्कि उसका पानी भी पी लिया। पंकज साह का कहना था कि सांसद ने पुल का तोहफा देकर जनता पर बहुत उपकार किया है, इस नाते कसम के मुताबिक उनके चरण धोकर पिए। सांसद निशिकांत दुबे ने भी बिना किसी एतराज के पैर धोने के लिए आगे बढ़ा दिया। इस पर काफी हल्ला मचा तो निशिकांत दुबे ने फेसबुक पर विरोधियों पर हमला बोलते हुए लिखा, अपनों में श्रेष्ठता बांटी नहीं जाती और कार्यकर्ता अगर खुशी का इजहार पैर धोकर कर रहा है तो क्या गजब हुआ। उन्होंने जनता के सामने कसम खाई थी, उन्हें ठेस ना पहुंचे, सम्मान किया। पैर धोना तो झारखंड में अतिथियों के लिए होता ही है, सारे कार्यक्रम में क्या आदिवासी महिलाएं ये नहीं करती हैं? इसे राजनीति का रंग क्यों घस रहे हैं? पैर अतिथि का धोना गलत है, अपने पुरखों से पूछिए। महाभारत में कृष्ण जी ने क्या पैर नहीं धोए थे? लानत है घटिया मानसिकता पर। और आज की दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर फिलहाल एम्स में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और इस बीच गोवा सरकार में उथल पुथल का दौर जारी है। दिल्ली के एम्स में गोवा के मुख्यमंत्री का हालचाल जानने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह मिलने गए। इस बीच गोवा में नेतृत्व बदलने की सुगबुगाहट रही। बीजेपी के संगठन के काम के सिलसिले में 3 नेता गोवा पहुंचे। हालांकि बीजेपी के संगठन महामंत्री रामलाल ने साफ कहा कि फिलहाल सरकार को कोई खतरा नहीं है, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंदुलकर ने कहा कि पर्रिकर ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बैठक में जो होता है वो बाहर नहीं आता, बिल्कुल जो बाहर आता है वो बैठक में नहीं होता। सरकार को कोई खतरा नहीं, आप ये कहते नो कोई खतरा मुख्यमंत्री की, उसमें कुछ तथ्य नहीं है। गोवा में नेतृत्व बदल नहीं हो जाएगा, मनोहर पर्रिकर ही गोवा के मुख्यमंत्री रहेंगे और है और रहेंगे। लेकिन आपको बता दें 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा में बीजेपी के 14 विधायक हैं। इसके अलावा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 3, गोवा फॉरवर्ड के 3 और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार चल रही है। देखिए, एक तरफ मनोहर पर्रिकर जी एम्स में भर्ती हैं तो दूसरी तरफ गोवा में सियासत चल रही है। गोवा में बीजेपी गठबंधन की सरकार में सुगबुगाहट है तो वही कांग्रेस ने गोवा में सरकार बनाने का दावा किया है। गोवा में राज्यपाल के घर कांग्रेस के 16 एमएलए पहुंचे और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया। हालांकि राज्यपाल उस वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ने मेमोरेंडम देते हुए राज्यपाल से मिलने की बात कही। हमने पहला भी हमारी मांग थी कि एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, मेजोरिटी प्रूव करने के लिए मौका देना चाहिए था, तो वो टाइम में हमको नहीं मिला। तो आज हमने दोबारा उनको रिक्वेस्ट किया, इसके पहले बीच में जाके भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि गवर्नमेंट का काम देखिए, कैसा सीएम नहीं है, गोवा के लिए सीएम नहीं है और कितने दिन तक हम रुकेंगे, ऐसा पहला हमने रिक्वेस्ट किया था। अभी तो कुछ है ही नहीं। तो गोवा में सियासी सुगबुगाहट जोरों पर है, बात राहुल गांधी की। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भोपाल में रोड शो किया जिसे संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। महज 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी बिगुल भी अपने रोड शो के साथ बजा दिया है। भोपाल में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो को संकल्प यात्रा का नाम दिया गया। इस रोड शो का आरंभ 11 पुजारियों के मंत्रोच्चारण के साथ हुआ, साथ ही कन्या पूजन भी किया गया। राहुल को शिव भक्त भी बताया गया। संकल्प यात्रा को पार्टी नरम हिंदुत्व के साथ पेश कर रही है, जो कि कांग्रेस की आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार की मुख्य रणनीति होगी। राहुल ने 18 किलोमीटर के रोड शो के बाद दशहरा मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। सरकार बनाने की ये सारे कवायद है। वैसे भी 15 सालों से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हुए यूपी लेकर चलते हैं आपको। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, परीक्षा फरवरी में होंगी, इससे लोकसभा चुनाव तय समय पर होने की संभावना बढ़ गई है। यूपी बोर्ड के इम्तिहान 7 फरवरी से शुरू होंगे।
हाई स्कूल की 14 और इंटरमीडिएट के इम्तिहान 16 दिन में होंगे और दोनों के परिणाम एक साथ 7 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 8 बजे और दूसरी पाली 2 बजे से होगी। इसकी जानकारी यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दी। इस बार 57,87,998 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। बोर्ड परीक्षा की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये साफ हो गया कि 2019 में लोकसभा चुनाव तय समय पर ही हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली अहम खबर की बात करते हैं नीरव मोदी की। 14,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी नीरव मोदी को भारत वापस लाना अब जरा मुश्किल हो गया है। इस मामले में अब ब्रिटिश प्रशासन ने भारत से ठोस सबूत मांगे। ब्रिटिश प्रशासन ने नीरव मोदी पर कार्रवाई को लेकर 3 शर्तें और 18 स्पष्टीकरण मांगे हैं और साफ तौर पर कहा कि वो नीरव मोदी पर कार्रवाई तभी करेंगे जब भारत इस बात पर सहमति देगा कि नीरव मोदी के खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो सभी लंदन में नीरव मोदी को दे दिए गए। लंदन प्रशासन का कहना है कि ऐसा करना लंदन के कानून के तहत जरूरी है। प्रशासन ने भारत से कहा कि वो इस बारे में अपनी सहमति दे, यानी बिना किसी अदालत में पेश हुए नीरव ले लेगा अपने खिलाफ तमाम सबूतों की कॉपी। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा भी लंदन प्रशासन ने भारत से पूरे मामले को लेकर स्पष्टीकरण मांगे हैं, जिनमें पूछा गया है कि धोखाधड़ी का कार्यकाल क्या है। और अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां से दिल को दहला देने वाली खबर आई है। यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स ने पहले लड़की का रेप किया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। नाबालिग लड़की की लाश के सामने रोता बिलखता ये परिवार मुरादाबाद का है। भगतपुर थाना इलाके के पापड़ी बाजे गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ पहले रेप होता है, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। पड़ोस के रहने वाले दबंग लड़के पर रेप और हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि दबंग लड़के ने 15 तारीख की रात 11 बजे लड़की के साथ रेप किया। लड़की ने सुबह घर वालों को बताया तो लड़का फिर उसके घर आया और गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दृष्टिया इस प्रकार का मामला है कि जिसपे शक जाहिर किया जा रहा है इनका पड़ोसी है, बट अभी तहरीर पुलिस को मिलेगी, उसके अनुसार ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल कि आखिरकार इस देश में बेटियां सुरक्षित किधर है। अगली खबर भी यूपी से है। यूपी के ही महाराजगंज में एक घिनौनी वारदात हुई है, जहां एक लड़की के साथ रेप के बाद उसके ब्लैकमेल करने का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, ये वीडियो उसकी गवाही है। इस लड़की को 4-5 शोहदों ने घेरा हुआ है। उसे और उसके कथित साथी को धमकाया जा रहा है। लड़की के साथ खुलेआम छेड़खानी की जा रही है। ये वीडियो महाराजगंज का बताया जा रहा है, जहां एक लड़की अपने साथी के साथ घूमने गई। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि उसके साथी ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर पीड़ित युवती के साथ रेप किया, जबकि वीडियो में दिख रहे 4 लड़कों ने युवती के साथ छेड़खानी की और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। चलो तुमको कहीं घुमा के लाते हैं, उसके बाद से हम तुम्हें कॉलेज सही सलामत छोड़ देंगे। उसके बाद से आगे जाके 2 लड़कों को और बैठाया बैग। हम सोचे ये कि ये लोग हमें पता या इधर से कहीं घुमा के लेके चले आएंगे। ये लोग हमें जंगल में लेके चले गए। जो मुझे लेके गया था वो मेरे साथ जबरदस्ती भी किया उसके बाद से 2-3 लड़के आए और रिकॉर्डिंग करने लगे। और अगली खबर है डीजल पेट्रोल के दामों की। देश भर में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से लोग परेशान हैं। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 15 पैसे बढ़े, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 82.06 रुपए में बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 6 पैसे बढ़ने के बाद 73.87 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 89.44 रुपए में बिक रहा है, जबकि डीजल 78.33 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बीते 6 महीनों में डीजल 11 रुपए जबकि पेट्रोल 10 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। आपको बताते चले, महंगाई के इस मार के बीच कर्नाटक में 2 रुपए पेट्रोल डीजल के दामों में कमी की गई है। आगे बढ़ते हुए बात अब करेंगे कुदरत के कहर की। फिलीपींस में मांखोट तूफान की वजह से भयंकर तबाही हुई है। यहां लैंडस्लाइड में 40 लोग मलबे में दब गए। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तरी फिलीपींस की हैं, जहां मांखोट तूफान की वजह से 40 लोग मलबे में दब गए। इनमें से ज्यादातर लोग गोल्ड माइनर्स थे। मैनकट इलाके में हुए लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची और कई घर बर्बाद हो गए। यहां करीब 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे। फिलीपींस में तूफान से अब तक 65 लोगों की जान जा चुकी है और 54 मौत तो इसी इलाके में हुई। बहरहाल सरकार की तरफ से यहां राहत और बचाव का काम चल रहा है।
और इस खबर के बाद अब वक्त है ये जानने का कि आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो सीधे रुख करते हैं मौसम सेंटर का, चलते हैं फौजिया के पास। नमस्कार, मैं हूँ फौजिया, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। आज ओडिशा के कुछ भागों संबलपुर पुरी में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही कोस्टल आंध्र प्रदेश में बापटला और तेलंगाना में हैदराबाद में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। माया नगरी मुंबई में भी हल्की वर्षा दर्ज की गई। देश के बाकी सभी भागों में मॉनसून का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। नॉर्थ, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के राज्यों में मौसम शुष्क बना रहा। आइए देखते हैं कि कल कैसा रहेगा मॉनसून का मिजाज। स्काईमेट के अनुसार ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पर एक लो प्रेशर बनने की उम्मीद है, जिसके कारण कोस्टल आंध्र प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। चेन्नई सहित नॉर्थ तमिलनाडु, रायलसीमा, इंटीरियर कर्नाटका और तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं केरला में लंबे समय के बाद हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। ओडिशा में वर्षा जहां अच्छी रहेगी, वहीं महाराष्ट्र के क्षेत्र मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा सहित छत्तीसगढ़ और साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश में भी मॉनसूनी बारिश जारी रहने की संभावना है। साउथ गुजरात में भी कुछ शहरों में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। गैंगटॉक वेस्ट बंगाल के शहरों में बारिश जारी रहेगी, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। आपको यूपी के मुरादाबाद लेके चलते हैं, जहां से एक तालिबानी तस्वीर सामने आई है। यहां गांव के पंचायत ने दो लड़कों को कोड़े लगाने का फरमान सुना दिया है। एक, दो, तीन, चार, पांच, अब दूसरे लड़के की बारी। एक, दो, तीन, चार, ये तालिबानी तस्वीर मुरादाबाद की है। गांव की पंचायत ने सुनाया दो लड़कों को कोड़े लगाने का तालिबानी फैसला। डीजे पर डांस को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसके बाद पंचायत बैठी। वीडियो मुरादाबाद के रायपुर समदा गांव का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। पंचनामे में बात करेंगे अब क्रिकेट की। दुबई में टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियों में जुट गई है, लेकिन यहां पाकिस्तान से पहले छोटे पाकिस्तान से होगी टीम इंडिया की भिड़ंत। देखिए, पाकिस्तान के बड़े मुकाबले से पहले टीम इंडिया तैयारी कर रही है छोटे पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने के लिए। मैं हांगकांग को छोटा पाकिस्तान सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 के स्क्वाड में से 11 खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तानी मूल के हैं और प्लेइंग 11 में भी 7 खिलाड़ी पाकिस्तानी मूल के हैं। फिलहाल टीम इंडिया जो है यहाँ पर पूरी तरह प्रैक्टिस कर रही है। पहली बार इस एशिया कप में पूरी की पूरी टीम इंडिया यहाँ मौजूद है, क्योंकि कल रात को बाकी 6 खिलाड़ी जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेले वो कल दुबई पहुँचे और आज प्रैक्टिस सेशन में और सीधा 20 डिग्री सेल्सियस से वो सीधा यहाँ पर 42 डिग्री के तपती हुई गर्मी में टीम इंडिया पहुँची। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।